हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 914 के बारे में बताएंगे। ये एक रेगुलर प्रीमियम प्लान है जिसमें आपको रेगुलर पैसा जमा करना पड़ता है और नॉन लिक्विड प्रॉफिट प्लान है, यानी इसमें आपको गारंटेड प्रॉफिट मिलता है। नाउ प्रीमियम पेइंग मोड, इस पॉलिसी में चार तरीके के मोड होते हैं। फर्स्ट है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। इस प्लान में टर्म 12 साल से 35 साल तक होता है, यानी जो भी आप टर्म चूज करते हैं 12 से 35 तक, उतने तक आपको पैसा जमा करना पड़ता है और आपका बीमा उतने तक कवर होता है। नेक्स्ट है मिनिमम एंट्री एज, इसमें आप 8 साल या 8 साल से ऊपर के व्यक्ति को ये प्लान ले सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंट्री एज, इसमें आप 55 साल से कम व्यक्ति को, 55 या 55 से साल से कम व्यक्ति को ही प्लान ये दे सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है, यानी आपको इस तरीके से बीमा लेना है कि आपके 75 ईयर्स तक वो मैच्योर हो सके। नेक्स्ट मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपीज, इसमें कम से कम आप 1 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको समझा दूँ, 1 लाख रुपए का बीमा का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए जमा करने हैं, आपको 1 लाख से कम पैसे जमा करने हैं, पर आपका जो इंश्योरेंस है वो 1 लाख रुपीज का होगा। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमा ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर भी मिलता है, लेकिन वो आपको सिर्फ 70 ईयर्स की एज तक ही कवर कर पाता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पॉलिसी के बेनिफिट्स पर। केस 1, अगर कभी आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या आप जीवित नहीं रहते हैं, तो ये पॉलिसी किस तरह आपके परिवार को सपोर्ट करती है। इसमें आपके जाने के बाद आपके परिवार को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है, या फिर 7 टाइम्स आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स मिलता है, या फिर आपने जितना प्रीमियम पेड किया है उसका 105% मिलता है। यानी इन तीनों केस में से जिसमें भी सबसे ज़्यादा हायर होगा वो आपको मिलेगा। और केस 2 में, जब आप इस पॉलिसी जीवित रहते हैं, आप मैच्योरिटी के टाइम पे आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। आप इस पॉलिसी पर 2 साल के बाद लोन ले सकते हैं या इसे सरेंडर भी करा सकते हैं। सरेंडर का मतलब होता है कि आप पॉलिसी को बंद करा रहे हैं। वैसे सरेंडर में ग्राहक का हमेशा नुकसान होता है, तो हम तो ये कहते हैं कि आप सरेंडर कभी मत कराइएगा। फ्रेंड्स, इस प्लान में आपको 2 बार टैक्स में छूट मिलती है। पहले प्रीमियम अमाउंट में आपको सेक्शन 80C के तहत रिबेट मिलता है और मैच्योरिटी में आपको सेक्शन 10D के तहत रिबेट मिलता है। ज़्यादातर सेविंग में मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होती है, मैच्योरिटी अमाउंट लाखों में होता है जिसे टैक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, पर टैक्स फ्री मैच्योरिटी में आप बहुत बचत कर सकते हैं। मंथली मोड में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि आपका प्रीमियम डेट के बाद भी आपको 15 दिन और मिलेंगे जिसमें आप अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं और आपको कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं पड़ता है। इसी तरीके से हाफ ईयरली, एनुअली और क्वार्टरली में आपको जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो होता है 1 मंथ का। कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई है तो आप उसको रिटर्न करके पैसे वापस ले सकते हैं। और इस प्लान में कूलिंग ऑफ पीरियड 15 दिन का होता है, यानी रिसिप्ट इशू होने के 15 दिन के अंदर आप पैसे वापस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। LIC में 3 तरीके के प्रपोजल फॉर्म होते हैं, फॉर्म नंबर 300, फॉर्म नंबर 340, फॉर्म नंबर 360। अगर पॉलिसी होल्डर की एज 10 ईयर से कम है तो वहाँ उसे फॉर्म नंबर 360 लेना पड़ता है। अगर पॉलिसी होल्डर की एज 10 या 10 से ऊपर या 18 साल से कम है तो फॉर्म नंबर 340 लेना पड़ता है, और अगर पॉलिसी होल्डर की एज 18 या 18 से अबव है तो उसे फॉर्म नंबर 300 लेना पड़ता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक मिस्टर रमेश है जिनकी एज 25 है और उन्होंने टर्म लिया है 35 साल तक का, और सम एश्योर्ड उन्होंने यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ लिया है, यानी 10 लाख रुपए तक का उन्होंने बीमा लिया है, और उन्हें
पहले साल यानी फर्स्ट ईयर में जो जमा करना है अगर वो ईयरली मोड पे ये पैसा जमा करते हैं तो उनको 27,148 जमा करना होगा हर साल, और अगर वो हाफ ईयरली पे लेते हैं तो हर छः महीने में उनको 13,724 रुपीज़ जमा करना होगा। अगर वो इस पॉलिसी को क्वार्टरली मोड पे लेते हैं तो 6,937 रुपीज़ जमा करना होगा, और अगर आप मंथली मोड पे ये पॉलिसी लेते हैं तो 2,313 रुपीज़ जमा करना होगा, यानी एवरेज पर डे का आपको इसमें 74 रुपीज़ जमा करना है। नेक्स्ट ईयर में आपको जो प्रीमियम जमा करना है वो थोड़ा कम ही जमा करना पड़ता है क्योंकि इसमें सर्विस टैक्स कुछ कम हो जाता है, तो उसमें अगर आप पहले साल के बाद जो आपको प्रीमियम जमा करना है ईयरली वो होगा 26,564 रुपीज़, हाफ ईयरली 13,428 रुपीज़, क्वार्टरली 6,787 रुपीज़, और मंथली आपको 2,263 रुपीज़, और एवरेज आपको पर डे का 72 रुपीज़ जमा करना होगा। यानी आपने जो टोटल पैसा जमा किया है वो है 9,30,324 रुपीज़, और आपको जो रिटर्न मिलेगा जो मेच्योरिटी के टाइम पे रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 10 लाख रुपीज़, प्लस बोनस आपको मिलेगा 15,75,000 रुपीज़, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो मिलेगा 23 लाख रुपीज़, यानी टोटल आपको जो मेच्योरिटी मिली है वो है 48,75,000 रुपीज़। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरी कैलकुलेशन मैंने LIC के ऑल इन वन ऐप से की है, तो हर साल LIC अपना बोनस डिक्लेयर करती है, तो हो सकता है कि ये कैलकुलेशन एक्चुअल कैलकुलेशन से थोड़ी ऊपर नीचे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।